तो उसकी मोशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है फिर उस मोशन में चार्ज पार्टिकल जो है वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा ये सारी बातें हमने कल डिस्कस कर ली थी ठीक है चलो तो आज हम क्या करेंगे सेम से रिलेटेड आगे का जो पार्ट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं तो आज के हमारा डिस्कशन का पॉइंट होगा साइक्लोट्रोन <coughs> क्या होगा साइक्लोट्रॉन अब ये साइक्लोट्रॉन मतलब क्या है बेसिकली इट्स ए सर्कुलर सर्कुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या ये सर्कुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर एक डिवाइस है जो क्या करेगा चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा लेकिन कैसे एक्सेलरेट करेगा सर्कुलर पाथ में अब एक्सेलरेट क्यों करना है कंडीशन क्या है देखो अगर पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है वेलासिटी बढ़ रही मतलब कौन बढ़ रहा है कारंटिक एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी बढ़ रही है कारेंटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब क्या होगा पार्टिकल की खुद की एनर्जी बढ़ेगी मतलब एनर्जी एनर्जेटिक पार्टिकल को बनाने के लिए क्रिएट करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसको बोला जाता है साइक्लोट्रोन साइक्लोट्रोन साइक्लिक साइक्लिक मतलब सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल को क्या करने वाला है एक्सोलेट करने वाला है ठीक है <coughs> तो ये साइक्लोट्रोन का बेसिक एप्लीकेशन हो गया अब ये साइक्लोट्रॉन में क्या होता है देखो बेसिकली इट यूटिलाइजेस magnetic field to bend the particle into circular path and electric field to accelerate it into high velocities यानी कि कल के लेक्चर में जो दोनों कंसेप्ट हमने पढ़ी थी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकती है सिर्फ पार्टिकल का जो पाथ है उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकती है उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकती है तो हम क्या करते हैं इस तरह के डिवाइस में साइक्लोट्रॉन वाले डिवाइस में दोनों फील्ड को यूटिलाइज करेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी बेंड करेगी मतलब डायरेक्शन चेंज करेगी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ाएगी अप करेगी मतलब एक्सलेटिंग करेगी मतलब पार्टिकल एनर्जेटिक बनेगा ठीक है अब होता क्या है साइक्लोट्रॉन में एकदम सिंपल कंस्ट्रक्शन है डिवाइस का ऐसे नॉर्थ पोल होता है नॉर्थ पोल के नीचे साउथ पोल होता है बेसिकली ये दोनों पोल्स बनते हैं इलेक्ट्रो के इलेक्ट्रो के मतलब जब तक इनमें से करंट फ्लो होगा तब तक क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जो है वो फ्लो होगी एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल तो इस तरह से ट्रांसवर्स यानी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करेंगे इस तरह से क्या ये ये है इनको क्या बोला जाता है डीज क्या ये डीज अब डीज का मतलब क्या होता है इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले एक ये डीज का मतलब क्या होता है टू मेटेलिक होलो सेमी सर्कुलर बॉक्स क्या ये डीज मतलब बॉक्स है कैसे बॉक्स है मेटल के लेकिन अंदर से होलो है एंड उनकी शेप कैसी है सेमी सर्कुलर है मतलब आधा सर्कल है तो वो आधा सर्कल का ब्लॉक जो है बॉक्स जो है वो ए बी सी डी के डी की तरह दिखता है इसलिए हमने उनको क्या बोला है डीज बोला है ठीक है तो ऐसे दो डीज हो गए एक को डी वन बोलेंगे एक को डी टू बोलेंगे समझ में आ रहा है कंस्ट्रक्शन में क्या है साइक्लोट्रॉन के अब इन दोनों डीज को कनेक्ट किया जाता है टू द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ये दोनों डीज को कनेक्ट किया जा रहा है टू द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज और ये जो वोल्टेज होता है वो बहुत हाई होता है इन द रेंज ऑफ टेन टू पावर होल्ड और वो 10 7 hertz, इतनी फ्रिक्वेंसी हाँ पे, हम इन द रेंट कनेक्ट कर अब ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की बिटवीन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो वर्टिकली डाउनलोड होगी इसमें हमने क्या किया है कि दो मेटल होलो बॉक्स जो मैग्नेटिक फील्ड को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होंगे वो प्लेस कर दिए एंड दोनों डीज को हमने क्या किया है एक्सलेटिंग पोटेंशियल पे एसी पोटेंशियल हमने अप्लाई कर दिया है अब इससे क्या होगा बोर्ड पे देखते हैं फॉर एग्जाम्पल ये पहली वाली डी है और ये दूसरी वाली डी है तो हम क्या करते हैं इनको इस तरह से सप्लाई प्रोवाइड करते हैं अब इस सप्लाई प्रोवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे ये दोनों डी के बिटवीन का जो स्पेस है यहाँ पे हम एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर देंगे ये साइक्लोट्रॉन जो है ये यूज होता है ओनली टू एक्सेलेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब कौन कौन प्रोटॉन ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब कौन कौन प्रोटॉन ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल इन तीनों में से कोई भी एक पार्टिकल जो है उसको अपन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंसिडर करते हैं प्रोटॉन मतलब इट्स ए हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ड्यूटेरॉन मतलब

तो ये पार्टिकल को क्या होगा देखो ये अल्टरनेटिंग पोटेंशियल है इसलिए जब ये ऊपर की प्लेट डी वन पॉजिटिव होगी एट द सेम टाइम नीचे की प्लेट निगेटिव होगी अब ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रिपेल करेगी और ये पार्टिकल इस तरह से ये सेकंड वाले इसको मैं डी वन बोलता हूं इसको डी टू बोलता हूं तो ये रिपल्शन की वजह से डी टू में एंटर करेगा लेकिन अगर ये अल्टरनेटिंग करंट है तो ये क्या करेगा आफ्टर सर्टन इंटरवल खुद की पोलैरिटी चेंज करेगा और ये ये <coughs> फिर से अगर ये के अंदर आने वाले पार्टिकल को positive field है वो रिपेल करेगी मतलब ये फिर से यहाँ से यहाँ तक जाएगा यहाँ पे आने के बाद फिर से हमने टाइमिंग सेट कर दी तो इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी फिर से ये माइनस ये प्लस बनेगा आगे पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा ये यहाँ पे आएगा फिर से ये पॉजिटिव बनेगा ये निगेटिव बनेगा एंड इस तरह का ये वर्किंग चलता रहेगा और ये पार्टिकल जो है वो इंक्रीजिंग रेडियस सर्कुलर पाथ के ऊपर ट्रेवल करेगा मतलब स्पाइरल पाथ बनाएगा एंड जो भी रिक्वायर्ड एनर्जी गेन करेगा तो हम यहाँ पे इसको पास होने के लिए एक विंडो रखेंगे और ये विंडो क्या करेगी इस चार्ज पार्टिकल को बाहर आने के लिए अलाउ करेगी एंड फिर ये टारगेट न्यूक्लियस जो भी होगा उसके ऊपर बम्बार्ड हो जाएगा अब टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार क्यों करना है फॉर द प्रोसेस कौन सी प्रोसेस जिसको बोला जाता है आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन मतलब जो रेडियो एक्टिविटी थी वो नेचुरल थी लेकिन अगर हमें आर्टिफिशियली किसी एलिमेंट को ट्रिगर करना है कि वो खुद को स्प्लिट करके दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होना चाहिए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन तो हम क्या करते हैं कि जो न्यूक्लियस पहले से स्टेबल था उसको अनस्टेबल बनाने के लिए इस तरह के ये पॉजिटिव चार्जेस बल्सूस के न्यूक्लियस में घुसा देते हैं और उसके लिए उनके पास क्या चाहिए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो एनर्जी मिलेगी कहां से ये एनर्जी यहां से मिलेगी समझ में आ रहा है ना तो ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है साइक्लोट्रॉन कर रहा है जो बोर्ड पे लिखा है जो मैंने एक्सप्लेन किया है एक बार क्लियर है क्या कमेंट करो कमन फास्ट जानवी तुझा मोबाइल चार कवरेज प्रॉब्लम है चलो कितने लोगों को क्लियर है कमेंट की कमेंट करो कॉमन फास्ट समझा संस्कृति कोनी आयोनेशन के बाद आकांक्षा ओके सानिया क्लियर प्रसाद क्लियर ठीक है चलेगा कंडीशन क्या है देखो ये आयोनाइजेशन हो गया तो यहाँ पे एक प्लेट पॉजिटिव है एक प्लेट निगेटिव है तो ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उसको रिपेल करेगी जब ये रिपेल कर रही है तब तो ये अट्रैक्ट कर रही है इसलिए पार्टिकल यहां से निकल के यहाँ पे आएगा यहां से निकल के यहाँ पे आएगा मतलब एक डी उसको रिपेल करती है तो बेचारा भागता हुआ दूसरे डी में चला जाता है जैसे वो दूसरे डी में चला गया हम उसकी पोलरिटी चेंज करती है अब वो भी पॉजिटिव बन गई चार्ज भी पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको रिपेल करेगा मतलब उसको अगेन भागना पड़ेगा ठीक है इस तरह से विथ इंक्रीजिंग स्पीड ये क्या करता है इधर उधर भागता है एंड एक बार रिक्वायर्ड स्पीड उसने अटेंड कर ली तो हम उसको टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर बमबार कर देते ठीक है तो इस प्रोसेस में हमने क्या किया कि हमने उसको सर्कुलर पाथ में मूव किया जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है हमने उसको फिर एक्सलेट किया स्पीड अप किया जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है तो इस प्रोसेस में क्या हुआ था इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा था मतलब उसको सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड था और वो यहाँ पे प्रोवाइड किया था बाय क्यू वीवी तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कल जो फॉर्मुले डिराइव किए थे वही आने वाला है आर बनेगा एम वी अपॉन वी क्यू बाकी सारे रिलेशन एज इट इज ए जो कल के लेक्चर में थे वो देख लो और वही लिख लो ठीक है आर प्रोपोर्शनल टू वी आर प्रोपोर्शनल टू पी आर प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ई आर प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ क्यू वी ये बन गया रिलीस का रिलेशन देन फिर तो आएगा एरिया फिर एरिया प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर एरिया प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वेर एरिया प्रोपोर्शनल टू ई एरिया प्रोपोर्शनल टू वी एक बार एरिया हो गया उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे दो मिनट में फिर से एक बार मैं लिख के देता हूं तो आर इक्वल्स टू बन गया एम बी अपॉन बीक्यू ये पर्टिकुलर वेलोसिटी पे रेडियस बन गई सर्कुलर पाथ की इसका मतलब रेडियस प्रोपोर्शनल टू भी होगा इसका मतलब रेडियस प्रोपोर्शनल टू पी होगा इसका मतलब रेडियस प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ई होगा इसका मतलब रेडियस प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होगा अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं कल रात को ही हुआ था ठीक है उसके बाद हम देखते हैं कि एरिया बनता है पाईआर स्क्वेयर इसका मतलब ए प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर ए प्रोपोर्शनल टू पी स्क्र ए प्रोपोर्शनल टू ई ए प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फिर पीरॉडिक टाइम होता है टू पाई एम अपॉन क्यूब बस यहां पे स्मॉल टी वाला फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो बनेगा पाई एम अपॉन बी क्यू अब ये स्मॉल टी का मतलब क्या है ये टाइम इंटरवल है जिसमें पार्टिकल क्या कर रहा है सेमी सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये टाइम इंटरवल है जिसमें जो डीज थी वह अपनी पोलैरिटी चेंज कर रही है मतलब एक डीज को पहले पॉजिटिव थी फिर निगेटिव कब बनाना है या फिर निगेटिव थी फिर पॉजिटिव कब बनाना है उसके लिए ये टाइम इंटरवल होता है पाई एम फिर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी आती है बनेगी इतना सिंपल था चलो कॉमन फास्ट दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोट्रोन देख लो साइक्लोट्रोन क्लियर हो गया क्या डायग्राम थेटिकल एक्सप्रेशन सारे फॉर्मूले संगराज को भी क्लियर है गुड हो गया क्लियर है कोई इश्यू नहीं है ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन मतलब एक डिवाइस है जो एनर्जेटिक पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा जिसका यूज करके हम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देन आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन इस तरह के केसेस कर सकते हैं फिर उसके एडवांटेज क्या है लिमिटेशन क्या है वो मैंने मॉडल में दिए वो थेरोटिकल पार्ट है एक बार रीड कर लो जैसे कि न्यूट्रल पार्टिकल यहाँ पे एक्सेलेट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा क्योंकि उसका मास इतना कम है कि वो वेलोसिटी गेन करने के बाद एडियो नहीं करता ठीक है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते ठीक है तो ये हो गया आप फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अभी सेम कंसे जो ऑलरेडी मैंने आपको मूविंग कॉइल गैलोनीमीटर में भी एक्सप्लेन की थी दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब कंडीशन क्या है देखो कि हमने देखा था एफ इक्वल्स टू होता है क्यू इन ब्रकेट वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर चार पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है तो लेकिन अगर हम इस तरह की सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नेटिक इंडक्शन बी वेक्टर है और इसमें हमने एक कंडक्टर जिसकी लेंथ है ले प्लेस किया है अब इसके ऊपर से क्यों इतना चार्ज पर यूनिट टाइम इस रेट से मूव हो रहा है इसका मतलब हम क्या करेंगे ये वेलोसिटी को DL DT लिख देंगे डीएल बाई डी टी मतलब ये लेंथ पर यूनिट टाइम ये चार्ज मूव हो रहा था एंड इसको रिप्लेस करेंगे तो ये अब क्या बनेगा यब बनेगा क्यू इन ब्रैकेट यल वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस बी वेक्टर अगर मैं इस dt को क्यू के साथ लिख दूंगा तो फोर्स क्या बनेगा फोर्स बनेगा dq क्यू बाई डी टी ब्रैकेट ऑफ एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हमने पहले बहुत पहले करंट बोल के रखा है इसका मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर बनेगा आई इन ब्रैकेट एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम फोर्स का फॉर्मूला बनेगा I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा आई का मतलब करंट यल का मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड देन बी का मतलब जिस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखा है उसकी स्ट्रेंथ मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन एंड थीटा मतलब एंगल कौन सा एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बिटवीन का एंगल होगा थीटा चलो कॉमन फास्ट बोर्ड पे एक नया फॉर्मूला जो हमने पहले भी यूज किया था वही फिर से मैंने डिराइव किया है फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर एफ इक्वल्स टू आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा आई इज द करंट एल इज द लेंथ बी इज द मैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर है सबको कॉमन फास्ट ओके तो कोई भी कंडक्टर अगर है उसको अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर ये फोर्स एक्ट होता है एंड इस फोर्स के डायरेक्शन फिर से किससे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम फ्लेमिंग हैंड रूल क्या होता है स्ट्रेच द थम फर्स्ट फिंगर मिडल फिंगर ऐसे तीन फिंगर एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेंगे तो उसके इसमें क्या होगा अगर फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन शो कर रहा है अगर मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रहा है तो थम क्या रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट यानी फिर से वही पार्ट जो एम में हमने यूज किया था उसी को अपन यहाँ पे देखेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल फोर टाइम सी का मतलब क्या है करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कहा इन एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दूसरों की मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेंगे जिसका मैग्नेटिक इंडक्शन होगा बी वेक्टर अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक करंट कैरिंग लूप प्लेस करूंगा पी क्यू आर एस तो इसमें से फ्लो होने वाले करंट्स की डायरेक्शन इस तरह से मिलेगी अब यहाँ पे जो लूप मैंने रखा है उसकी लेंथ बनेगी एल विड्थ बनेगी बी और इसमें से फ्लो होने वाला करंट बनेगा आई अब यहाँ पे कंडीशन क्या है देखो वन बाय वन जाएंगे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन साइड पी क्यू अब पी क्यू के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स कितना होगा आई एल बी साइन थी फॉर्मूला तो सेम है बट यहाँ पे थीटा देखो करंट डाउनवर्ड जा रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड राइट में जा रही है तो थीटा कितना हो गया 90 यानी कि इनके बिटवीन का फोर्स जो है वो मैक्सिमम एंड वो रहेगा आई इंटू एल इंटू बी लेकिन फोर्स क्यू आर के लिए ले लो या फिर फोर्स एस पी के लिए ले लो दोनों की केस में थीटा जीरो या फिर वन एटी है यानी कि साइन नाइन साइन जीरो या फिर साइन वन एटी जीरो आता है मतलब दोनों की केस में फोर्स क्या होगा जीरो होगा सेम केस अगर हम आर एस के लिए अप्लाई करेंगे तो आर एस में भी थीटा कितना है नाइनटी है मतलब फोर्स मैक्सिमम होगा और ये आर एस का फोर्स बनेगा अगेन आई इंटू एल इंटू बी मतलब सिंपल एक ही फॉर्मूला अप्लाई करके ये चार केस थे कंडक्टर की चार बेसिक केसेस थी इसमें हमने देखा कि इसके ऊपर एंड इसके ऊपर कोई फोर्स एक्टिव नहीं हो रहा है तो सिर्फ फोर्स एक्ट होगा पी क्यू के ऊपर आर एस के ऊपर अब ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमारे पास है अब चाहिए इनकी डायरेक्शन डायरेक्शन के लिए हम अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल द थंब फर्स्ट फिंगर मिडिल फिंगर सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गए अब इसमें क्या बोला है कि फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा देखो फर्स्ट फिंगर कहाँ पे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस तरह से उसके बाद में P से लेके Q तक करंट जा रहा है डाउनवर्ड तो ये मैंने मिडल फिंगर डाउनवर्ड ले लिया अब थम कहा पे आ रहा है टूवर्ड्स टूवर्ड्स रीडर टूवर्ड्स ऑब्जर्वर मतलब पी क्यू के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स हमारी तरफ आ रहा है सेम कंसेप्ट अगर आर एस को अप्लाई करेंगे तो क्या हो रहा है बस जो डाउनवर्ड फ्लो होने वाला करंट था अब वो अपवर्ड चला गया अगर ये करंट अपवर्ड चला गया मतलब फोर्स तो अंदर जा रहा है इनवर्ड जा रहा है समझ में आ रहा है यानी कि ये जो कॉइल थी पी क्यू आर एस उसके ऊपर एक फोर्स इधर जा रहा है दूसरा फोर्स इधर आ रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इस कॉइल को वो क्या करेंगे रोटेट करेंगे एंड इस प्रोसेस में फिर कॉइल के ऊपर एक्ट होगा कपल ऑफ फोर्स जिसको बोला जाता है टॉर्क और टॉर्क का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स दोनों में सेम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल भी है इसका मतलब ये टॉर्क बनेगा इज इक्वल्स टू आई एल बी इंटू स्मॉल बी एंड नंबर ऑफ टर्न अगर एन है तो इन टू एन अब मैं एल इन बी को अगर डायग्राम में देखूंगा तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल की एक्सप्रेशन तो मिला बी आई एन ए तो कितना टॉर्क एक्ट होता है बीना बी तो आई एन ए टीवल्स टू बिना याद होगा आपको एमसीजी में था वही बी आई एन ए इतना टॉर्क यहाँ पे एक्ट होगा बी का मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन आई का मतलब करंट एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न एंड ए का मतलब एरिया ऑफ इच कॉइल ठीक है अब यहां पे कंडीशन क्या है देखो स्टार मार्क करके ये पॉइंट मैंने पहले भी आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी बोली थी कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल ये होती है आई इंटू यन इंटू ए आगे भी हमें इसके ऊपर डिस्कस करना है कि अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है तो जैसे मैग्नेट की मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है स्मॉल एम इंटू टू एल्व वैसे करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक मूवमेंट होती है एनआईए तो यहाँ पे मैं टाउ को लिख सकता हूं एम इंटू बी लेकिन अगर यहाँ पे एक्जैक्ट परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो ये साइन भी बनेगा तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ठीक है इस तरह से ये टॉर हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं बस इतना पॉइंट नया है इसके ऊपर हम आगे आने वाले उससे पहले बोर्ड पे जो भी लिखा है एक बार देख लो समझ लो अगर क्लियर है तो रिप्लाई करो फिर वी विल प्रोसीड चलो वेटिंग फॉर योर रिप्लाई क्लियर है चलो संगराज को भी सब कुछ क्लियर हो रहा है मतलब कोई इश्यू नहीं है तो ये टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप आ गया सेम कंसेप्ट मूविंग कॉइल गैलोनीमीटर में हमने यूज कर लिया है पहले इसलिए ये रिपीटेशन हो गया दो तीन लेक्चर में इसका अब यहां पे देखो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था वही आएगा वर्क डन इन रोटेटिंग करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इन एक्सटर्नल वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी तो कंडीशन क्या है देखो कि बेसिकली ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड है इसको हमने एक कॉइल कॉइल रखी थी PQ, वाली अब ये डिफ्लेक्ट तो हो गई फिर हमें क्या करना है इसको वापस ओरिजिनल पोजिशन में लेके आना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा वर्क डन का टाउ इंटू डी थीटा जैसे डिस्प्लेस करने के लिए फोर्स होता है रोटेट करने के लिए टॉर्क होता है डिस्प्लेसमेंट डी एक्स होता है रोटेशनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा होता है इसलिए work done का equation बस जो जो है 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 को replace होके क्या आ रहा है? Tau into D theta. अब ये into D theta जो है, ये छोटा सा work done हम calculate करते हैं मतलब को थोड़ा सा डिप्लेट करने के लिए अगर पूरा वर्दन चाहिए तो हम इसको रोटेट करेंगे कहा से कहा से कहा तक थीटा वन से लेके थीटा टू तक अब टॉर्क कितना था अभी कैलकुलेट किया था हमने कितना था एम बी साइन थीटा था इंटू डी थीटा फिर यहाँ पे एम बी कॉन्स्टेंट रहेगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन आएगा माइनस ऑफ कॉस्ट थीटा लिमिट्स होगी फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू और यहाँ पुट करेंगे तो ये वर्डन बनेगा एम बी इन ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस ऑफ माइनस प्लस होगा यानी कॉस ऑफ थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा टू एंड दिस वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फिर इसकी स्पेशल केसेस हमने देखी थी कि अगर इनिशियली मैग्नेट फील्ड को पैरल है मतलब थीटा वन इज इक्वल टू जीरो है या फिर एंटी पैरल है मतलब थीटा वन वन एटी है तो उस केस में क्या होगा कॉस ऑफ जीरो या फिर कॉस ऑफ वन एटी कॉस ऑफ जीरो कितना है वन है देन कॉस ऑफ वन एटी कितना है माइनस वन है ये फर्स्ट केस हो गई सेकंड केस में अगर इनिशियली कॉइल अगर परपेंडिकुलर थी तो थीटा 190 बनेगा एंड 90 हो जाएगा तो ये दोनों वैल्यू पूर के पुट करके कैसे मॉडिफाई होता है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा था यहाँ पे भी देखेंगे देखो थीटा वन कितना बनेगा अगर वन जीरो तो वन तो फॉर्मूला बनेगा वर्क डन इक्वल्स टू यम बी इन ब्राकेट वन माइनस कॉस्ट ऑफ थीटा ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट केस है <coughs> अगर थीटा वन को वन एटी लेंगे तो कितना बनेगा कॉस्ट ऑफ थीटा माइनस वन तो ये तो क्या होगा माइनस वन माइनस कॉस ऑफ थीटा अब यहां से माइनस माइनस अगर कॉमन लेंगे तो डब्ल्यू बनेगा माइनस ऑफ एम बी इन ब्राकेट वन प्लस ये भी एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं लेकिन अगर इनिशियली परपेंडिकुलर था तो डब्ल्यू कितना बनेगा जीरो माइनस कॉस ऑफ थीटा माइनस एम बी इन टू कॉस ऑफ थीटा ये थोड़ी सी स्पेशल केस है मैक्सिमम टाइम हम इसी केस के ऊपर फोकस करते हैं ठीक है अलग कुछ नहीं है सेम बात इलेक्ट्रोसैटिक्स तो में भी पड़ी थी यहाँ पे बस इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला लिया है बाकी कुछ भी नहीं है साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस्ट थीटा लिया बाकी तो पूरा सिंपल मैथमेटिक्स चल रहा है थीटा इतना होगा तो क्या होगा थीटा उतना होगा तो क्या होगा उसी तरह से इक्वेशन में वैल्यू पुट करके मॉडिफिकेशन किए गए ठीक है तो ये था वर्क डन या फिर स्टोर्ड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी तो उसमें बस आपको याद करना है कि ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी जब ये यू इज इक्वल टू एम बी आएगा एंड ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी जब यूज माइनस ऑफ एम बी आएगा ठीक है सेम इक्वेशन से हम ये बातें कंक्लूड कर सकते हैं कि रोटेट करते टाइम कहा से कहा तक रोटेट करेंगे तो वर्डन कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा ठीक है चलो कॉमन फास्ट स्क्रीनशॉट ले लो देख लो समझ लो सेम बातें मॉडल में भी और डिटेल में एक्सप्रेशन डिराइव करके दिए है ठीक है एंड फिर भी कोई आपका डाउट बचता है तो फिर इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे मैसेज करो विल डिस्कस इट चलो हो गया क्लियर चलेगा अब देखो इसके सीक्वेंस का नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसमें हम देखेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स फोर्स बिटवीन फोर्स बिटवीन टू पैरल कंडक्टर्स फोर्स बिटवीन टू पैरल कंडक्टर्स मतलब कि क्या है देखो कौन से कंडक्टर है करंट कैरिंग कंडक्टर है ऐसा फैला वाला कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई वन और इसके बाजू में और एक कंडक्टर है जिसमें से फ्लो होने वाला करंट है आई टू दोनों की लेंथ जो है हम उसको इनिशियली इनफाइनाइट कंसीडर कर रहे हैं बहुत बड़ी लेंथ है कंसीडर नहीं कर सकते और इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन आपको दिया है एज ए स्मॉल ई या फिर डी ले लो ठीक है जो पसंद है वो ले लो यहाँ पे कितना है ए इतना सेपरेशन अब ये दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर है ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होंगे क्यों इंटरेक्ट होंगे उसका रीजन मैं एक्सप्लेन करना हूं एक ही बार एक्सप्लेन करूंगा अब ध्यान से सुनो कि बेसिकली क्या होगा कि वेन एवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट कंडक्टर इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट एज पर एट द पर सेन एवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेकंड कंडक्टर इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट नाउ वेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू सेकंड कंडक्टर इट इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट कंडक्टर एट द सेम टाइम वेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट कंडक्टर इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक्ड प्रोड्यूसर इट मीन आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इच ऑद एक्सपरियंस फोर्स म्यूचुअल फोर्सेस फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे फोर्स ऑफ रिपेल्शन होंगे वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर क्लियर है सबको यहाँ पे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किए दो कंडक्टर है एक की मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है ILB, theta, हाँ है गिवन बाय आई एल बी साइन थीटा वही पे होने वाली कि अगर ये पहला वाला कंडक्टर दूसरों की मैग्नेटिक फील्ड में या फिर दूसरा वाला कंडक्टर पहले की मैग्नेटिक फील्ड में तो उनके ऊपर फोर्सेस एक्ट होने वाले इतनी सिंपल बात है चलो अब बोर्ड पे आते हैं अब हम क्या करेंगे देखो वन बाय वन यहाँ पे मुझे फॉर्मूला चाहिए तो डिराइव करेंगे सबसे पहले ये जो सेकंड कंडक्टर है वहां पे उसके ऊपर मतलब पॉइंट पी पे यानी कितने डिस्टेंस पे ए इतने डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कौन प्रोड्यूस करेगा ये पहला वाला कंडक्टर वो कितनी होगी यहां पे मैं लिखता हूं मैग्नेटिक फील्ड एट पी प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट कंडक्टर

B1 का मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट कंडक्टर I1 इसलिए लिया है कि उसमें से फ्लो होने वाला करंट चाहिए एंड A मतलब कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है मतलब नया नहीं है पहले वाला ये फॉर्मूला है अब कंडीशन क्या हो गई कि इस सेकंड कंडक्टर पे एक्ट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड आ गई उसमें से फ्लो होने वाला करंट आ गया तो हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं तो देयरफॉर फोर यहाँ पे लिखना पड़ेगा फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड कंडक्टर फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड कंडक्टर इज गिवन खुद का लगेगा मतलब आई टू लेंथ हम एज्यूम करते कि है, एंड यहाँ पे बी मतलब कौन आएगा बी वन आएगा ठीक है अब थीटा तो नाइनटी आता है यहाँ पे इसलिए साइन नाइनटी वन होता है उसको कंसिडर नहीं करेंगे तो ये फोर्स बना आई टू यल बी वन बी वन की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो सेम फॉर्मूला बनेगा म्यूनोट आई वन आई टू अपॉन टू पाई बस मैं यहां पे लेता हूं क्योंकि ये लेंथ होती है तो हम इसको डिराइव करते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ तो ये बातें हमने की थी कि जिस केस में सेकंड कंडक्टर के ऊपर पहले कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती सेम पार्ट हम रिपीट करेंगे किस लिए किसके लिए रिपीट करेंगे देखो सेम पार्ट हम रिपीट करेंगे जिसमें क्या होगा सेकंड कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट के ऊपर एक्ट होगी तो मैं सारा स्टेटमेंट यहाँ पे रिपीट करूंगा यहां पॉइंट यहां लेता हूं और मैं लिखूंगा फिर से मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड कंडक्टर कितनी होगी सेकंड कंडक्टर प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए बी टू होगी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना बस कंडक्टर में से फ्लो होने वाला करंट चेंज हो गया इसका मतलब ये बनेगा नॉट आई टू अपॉन टू पाई ए मैग्नेटिक फील्ड आ गई मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट कंडक्टर तो पहले वाले कंडक्टर के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स बनेगा नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई ए। ये लेंथ अगर इधर लेके आ गए तो यानी कि अब अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे देखो इन दोनों को दोनों का पूरा फॉर्मूला जो है वो हंड्रेड परसेंट सेम है इसका मतलब ऐसे दो कंडक्टर जब हम सराउंडिंग में एक दूसरे के रख देंगे तो वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होते हैं एंड इंटरेक्शन वाला जो फोर्स है वो सेम है कितना है फोर्स म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाए तो ये फोर्सेस के मैग्नीट्यूड दोनों केसेस में सेम होते हैं क्लियर है सबको चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट था एक बार देख लो क्लियर है तो कमेंट में फास्ट कमॉन फास्ट क्लियर है ओके okay, क्लियर है सबको अब बात बची इनके डायरेक्शन की मैग्नीट्यूड तो आ गया अब डायरेक्शन को क्या होगा अब जो मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं थोड़ा ध्यान दे के आपको समझना है थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने के लिए कंफ्यूजिंग भी है अब कंडीशन क्या है देखो

यहाँ पे जो है मुझे पहले फ्लेमिंग का सॉरी ऑर्स्ट्रेड का राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी ऑर्स्ट्रेड ने क्या बोला था कि अगर कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल है तो मैं, मैं अगर पहले वाले कंडक्टर को ऐसे पकड़ूंगा तो ये जो आई टू वाला पॉइंट आता है यहाँ पे पी वो इस साइड में तो इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इनवर्ड पे जा रही है इनवर्ड इसलिए मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे शो करूंगा ये सिंबल देखो डॉट है एंड ये क्रॉस है ये एरो हेड होते हैं एरो बान है। वो अगर हमारी तरफ आ रहा है तो हमें बस उसका फ्रंट पॉइंट दिखता है लेकिन हमसे अभी अगर जा रहा है तो उसके पीछे जो क्रॉस होता है हमें क्रॉस दिखता है इसलिए डॉट का मतलब टूवर्ड्स मतलब हमारी तरफ अपवर्ड एंड क्रॉस का मतलब इनवर्ड ठीक है तो ये क्रॉस है यहाँ पे मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड चलेगी अब अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे देखो फर्स्ट फिंगर है वो इनवर्ड जाएगा करंट कहाँ पे अपवर्ड मतलब ये करंट की डायरेक्शन अपवर्ड आ गई ध्यान से देखो ये फिंगर आपको दिख नहीं रहा है ये इनवर्ड है ये अपवर्ड है एंड इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन आएगा फोर्स इसका मतलब सेम पार्ट अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो ये जो फोर्स होगा कौन सा फोर्स है अप्लाइड ऑन सेकंड कंडक्टर बाय फर्स्ट कंडक्टर ये टुवर्ड्स फर्स्ट कंडक्टर आ जाएगा क्लियर है अब उसी तरह से हम क्या करेंगे ये फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर एक्ट होने वाली फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे लेकिन उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो करंट अपवर्ड जा रहा है तो इस कंडक्टर के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ आएगी देखो इन फिंगर्स को यानी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा डॉट ड्रॉ करना पड़ेगा इसका मतलब फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने के लिए पहले मैग्नेटिक फील्ड ये आ गई आपकी तरफ करंट फ्लो रहा है अपवर्ड रम जाएगा इन दोनों को परपेंडिकुलर यानी कि सेम केस अगर डायग्राम में अप्लाई करेंगे तो ये फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा और ये बनेगा वन टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन टू इसका मतलब जब कंडक्टर में से लाइक करंट फ्लो होता है वो एक दूसरे को एट्रैक्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ गया यहाँ पे वेन एवर लाइक करंट इज फ्लोइंग थ्रू बोथ दंडक्टर देव एट्रैक्ट इचर विद ए फोर्स कितना होता है दिस मच फोर्स से वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे अट्रैक्ट करेंगे ठीक है तो ये केस हो गई अब अगर करंट की डायरेक्शन मैंने रिवर्स कर दी तो उससे कुछ चेंज होगा क्या देखते हैं सेम कंडक्टर है पहले में से फ्लो होने वाला करंट अपवर्ड है लेकिन दूसरे वाले का करंट अब डाउनवर्ड हो गया अब इससे क्या होगा देखो पहले वाले का करंट अपवर्ड था मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थोड़ी चेंज होगी वो सेम रहेगी क्रॉस अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आ गया अब क्रॉस है यहाँ पे इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है करंट जो पहले अपवर्ड हुआ करता था अब ये करंट ऐसे डाउनवर्ड हो गया ध्यान से देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रही है और ये जो करंट है वो कहाँ पे आ गया डाउनवर्ड आ गया और थम फिर अगर इन दोनों को परपेंडिकुलर आ गया इसका मतलब ये सेकंड कंडक्टर के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स इधर जाएगा एफ टू वन विक्टर अब यहाँ पे फिर से ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड सॉरी करंट डाउनवर्ड जा रहा है तो मुझे कंडक्टर ऐसे पकड़ना पड़ेगा ऐसे अगर पकड़ा तो फर्स्ट के ऊपर एक्ट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी अंदर जाएगी मतलब फिर से पे क्रॉस क्रॉस लेना पड़ेगा अगर ये ये आ गया मतलब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते टाइम मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड करंट अपवर्ड थंब इन दोनों को परपेंडिकुलर यानी कि ये फोर्स F12 इधर एक्ट होगा तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में यानी अनलाइक फ्लो होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे देखो चार्ज अगर लाइक है तो रिपेल होते हैं चार्ज अगर अनलाइक है तो अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पे उल्टा हो रहा है करंट अगर लाइक है तो अट्रैक्ट होंगे करंट अगर अनलाइक है तो रिपेल होंगे एंड अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का फोर्स कितना है सेम ही है म्यू नॉट आई वन आई टू अपन टू पाए म्यू नॉट का मतलब परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी है फोर पॉइंट टू टेन टू द पावर माइनस सेवन आई वन करंट आई टू करंट एक मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स ठीक है चलो बोर्ड पे जो लिखा है एक बार देख लो अगर डायरेक्शन क्लियर है देन वी विल प्रोसीड ओके okay, चलो आगे तो ये हो गया फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर अब डायमेंशन में मैं एक बात बोलता हूँ देखो जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तब वन एमपेयर की जो डेफिनेशन है तब समझ में नहीं आएगी ऐसे में बोलता था वो अब समझ में आएगी कैसे देखो दोनों में से करंट फ्लो हो रहा है आई वन एंड आई टू एंड अगर इनके बिटवीन का सेपरेशन ए है तो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए फॉर्मूला आ रहा है mu, mu0, I1, I2 लेकिन अगर हम एज्यूम करेंगे कि दोनों के बिटवीन का सेपरेशन वन मीटर है एंड दोनों में से फ्लो होने वाला करंट अगर वन एम्पियर है तो ऊपर का जो फॉर्मूला है वो बनेगा एफ बाई एल इज नॉट मतलब कौन है फोर पाई इंटू टेन टू पावर माइनस सेवन इंटू वन इंटू वन डिवाइडेड बाई टू पाई इंटू वन ये वैल्यूज मैंने बस पुट कर दिए तो यहाँ पे क्या होगा ये टू पाई एंड फोर पाई कैंसिल होके एफ बाई एल बचेगा इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन न्यूटन पर मीटर तो हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिकली इस तरह से दो कंडक्टर को प्लेस करते हैं उनमें से कितना करंट रहा है हमें इतना नहीं बनेगा तब तक हम करंट की वैल्यू वेरी करेंगे जैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना बन गया इसका मतलब दोनों का करंट कितना बन गया वन एमपियर

इस तरह से एक्चुअल साइंटिफिकली वन एम्पेयर बनाया जाता है ठीक है तो ये फोर्स बिटवीन टू पैरल कंडक्टर एंड उसकी वजह से वन एम्पेयर कैसे डिफाइन किया जाता है ये बातें हमने यहां पे डिस्कस कर लिए अब टॉपिक की और थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें जिसमें हमें करंट कैरिंग कॉइल मतलब हो चुका है नया कुछ नहीं है लेकिन फिर भी एक अलग पॉइंट दिया है तो उसको अलग पॉइंट बोल के हम ट्रीट करेंगे ठीक है मैग्नेटिक मूमेंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है जिसमें से क्या हो रहा है आई इतना करंट फ्लो हो रहा है इस कॉइल का अगर एरिया ए है तो इसके मोमेंट का फॉर्मूला होता है I A. अगर नंबर ऑफ टर्न है एंड नंबर ऑफ टर्न अगर यन है तो वो बनता है एन इंटू आई इंटू एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कितनी होती है into I into A होती है वेर N का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, आई का मतलब करंट, ए का मतलब एरिया ऑफ इच कॉल ठीक है और इस एम इक्वल्स टू एन आई ए के बारे में बाकी सारी बातें वो मैग्नेट की जो मैंने स्टार्ट में बोली थी उसके सिमिलर होगी इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वेयर देन डायमेंशन होंगे एल टू आई वन वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्टेड होगी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल पे आ, कहा से आएंगे उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं कि अगर कोई भी कॉइल है उसमें से करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे मतलब क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करेगा नॉर्थ पोलो पोल को एंड अगर करंट की डायरेक्शन इस तरह से बन गई मतलब क्लॉकवाइज तो ये बनेगा साउथ पोल समझ में आ रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज करंट रिप्रेजेंट्स नॉर्थ पोल क्लॉकवाइज करंट रिप्रेजेंट्स साउथ पोल तो ये करंट कैरिंग कंडक्टिंग सर्कुलर कॉइल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट होती है एंड जब भी करंट फ्लो होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो रिप्रेजेंट करेगा नॉर्थ पोल को जब करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रिप्रेजेंट करेगा साउथ पोल को आगे जाके बहुत सारे एप्लीकेशंस में हमें इनके बारे में डिस्कस करना है और इनका यूज भी करना है अब इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ठीक है सेम कंसेप्ट हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी देख रहे थे न्यूक्लियस होता है उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्या करता है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है अब अगर ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करेगा और ये इलेक्ट्रिक करंट कितना होता है कॉमन फास्ट याद करो ई अपॉन कैपिटल टी होता है टी को हमने लिखा था टू पाई आर अपॉन वी तो इलेक्ट्रिक करंट होता है ई वी अपॉन टू पाई आर ये इंट्रोडक्टरी फॉर्मूला ही हमने लिखा था इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय अपॉन टू पाई आर वेर ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वी का मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर का मतलब रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे कॉइल सॉरी इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ पे मूव हो रही है तो इस सर्कुलर पाथ का एरिया बनेगा पाईआर स्क्वायर और अगर मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए तो उसका फॉर्मूला आई इंटू ए होगा क्योंकि यन तो वन है नंबर ऑफ टर्न इन दोनों का अगर पुट करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगी ईवी वी अपॉन टू पाई आर इंटू पाई आर का स्क्वायर पाई पाई आर आर यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आ गई गईन टू एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा और इस तरह से लिखूंगा ई अपॉन टॉइस ऑफ यम इन टू यम वी आर चलो लगाओ दिमाग मैंने क्या किया होगा कुछ भी नहीं किया मैंने बस मास बाय मास से मल्टीप्लाई किया और ये मास भी कौन सा इलेक्ट्रॉन का मास कैंसल होते हैं इसलिए अरेंजमेंट करने में कोई इश्यू नहीं है लेकिन यहाँ पे जो यम इंटू भू आर है उसको बोला जाता है एल एल का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम एल का मतलब क्या होता है एंगुलर मोमेंटम यानी कि कैपिटल यम इक्वल्स टू बन गया ई अपॉन टॉइस ऑफ एम ई इंटू एल देखो बोर्ड पे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बन गई अपॉन टॉइस ऑफ एम ई इंटू एल चलो मैं रब करने वाला हूं स्क्रीनशॉट ले लो अब कैपिटल बना अपॉन e मतलब कितने फॉर्मूले आ गए देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट ई वी आर अपॉन टू इससे भी इंपॉर्टेंट ये ई अपॉन टॉइस ऑफ एम ई इंटू यल वाला अब यहाँ पे एल को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊंगा एम बाय तो इसको बोला जाता है ई अपॉन टॉइस ऑफ ई और ये होता है गायरो मैग्नेटिक रेशो अब इसकी वैल्यू पुट करो और बाद में व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो कि ये एम बाई एल का रेशो कितना आता है ये होने के बाद देखो एम इक्वल टू ई अपॉन ट्वाइस ऑफ एम ई में मैं एल को निकाल के यन इन टू एच टू पाई इसको पुट करूंगा तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा ई इंटू यन इंटू एच अपॉन फोर पाई एम क्या किया मैंने मैंने ये एन एच अपॉन टू पाए ये लेके आया मैं एल से कैसे पॉसिबल है उसके लिए हमें एटम पहले पढ़ना पड़ेगा जो हम पढ़ चुके हैं कि होता क्या है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन में बोहर ने बोला था एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन टू पाए होता है इसलिए मैंने एल को निकाला और एनएच अपॉन टू पाई को लिख दिया तो यहाँ पे हम अगर हाइड्रोजन की केस लेंगे फर्स्ट ऑर्बिट की यानी एन इक्वल्स टू वन करेंगे तो डाइपोल मूवमेंट ये एम बनेगा इंटू एच अपॉन फोर पा एम ई और इसको बोला जाता है एज ए बोहर्स बोहर्स मैग्नेटॉन बोहर्स मैग्नेटॉन मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू अगर पुट कर दी जाएगी तो ये बनता है जीरो पॉइंट नाइन टू थ्री इन टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी थ्री एम्पियर मीटर स्क्वेयर ये वैल्यू है बोर्स मैग्नेटॉन की ठीक है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट है चलो देख लो समझ लो लिख लो स्क्रीन शॉट ले लो और इसको खत्म करो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन स्टेप बाय स्टेप देखो क्या क्या किया जा रहा है आज ंगराज लियर लगे गुड वेरी गुड अब जो बातें पड़ी है उसके कुछ एप्लीकेशन होंगे जो तो प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे जो मैक्सिमम इंक्लूड करके दिए शॉर्ट एग्जांपल्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वायर है इसको रिजिड सपोर्ट पे फिक्स किया है इसके ऊपर दूसरी वायर रख दी है और ये नीचे गिरी नहीं रही है ये ऐसी ही हवा में लटक रही है तो कैसे पॉसिबल है ये पॉसिबल है कि अगर हम दोनों में से ये करंट फ्लो कर देंगे लाइक करंट आई वन आई टू तो उस केस में पॉसिबल है क्या क्योंकि लाइक करंट है तो वहां पे अट्रैक्शन होगा हमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी तो उस केस में इनमें रिपल्शन होगा और ये क्या करेंगे वेट को बैलेंस करने के लिए म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, way, अगर की वायर, को हमने कर दिया है, नीचे एक वायर है तो ये नीचे नहीं गिर रही है वेट तो नीचे खींच रहा है उसको ऊपर खींचना पड़ेगा मतलब अट्रैक्ट करना पड़ेगा ये कब पॉसिबल है अगर दोनों के बिटवीन का जो करंट है वो लाइक एक डायरेक्शन में फोगे फ्री, आ, फ्री। फ्लो हो रहा है तो, तो फिर से इक्विलिब्रियम आ गया मतलब क्या होगा वेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई इस कंडीशन में हम इनको इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं तो यहाँ पे क्या होगा इस वायर को अगर ऊपर खींच के छोड़ दिया तो ये अपनी मीन पोजिशन पे आएगी मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया और स्टेबल इक्विलिब्रियम में एसएचएम परफॉर्म होगी

मॉड्यूल के सारे शॉर्ट एग्जांपल्स एंड सारे कंसेप्ट एप्लीकेशन के क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करना पड़ेगा तो आज इवनिंग तक आपका यही टास्क है जितने भी पेंडिंग थे या फिर जो हो गए थे तीन तीन बार सॉल्व करो बिकॉज फ्रॉम टुमारो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें बीट वाइज मैं आपको आज बोल दूंगा बीट वाइज जो है वो क्वेश्चन रहेंगे टेस्ट रहेगी आज ग्रेविटेशन की टेस्ट हो गई पूरे टॉपिक के ऊपर उसमें भी हम स्प्लिट करके टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं सैमिल टेनिसली अभी जो है मैं टेस्ट स्टार्ट करूंगा मैग्नेटिक